यहाँ तो नॉर्मल बारिश, जरा सोचिए तो यहाँ जिसका घर होगा धाम से बरसेगा, ये कई लाख वोल्ट का होता है और ऊपर से बिजली जो गिर रहा है वो अपने रिश्तेदार खोजता है, धाए दे आपके ऊपर गिर जाएगा। पेड़ के नीचे मत छुपिए, घास ओस के पास नहीं जाना चाहिए, पानी के पास नहीं जाना चाहिए, गोबर पे गिरता तो सोना बन जाता है। बादल का फटना क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बादल आके जुड़ जाते हैं तो अचानक बहुत जोर से वर्षा होने लगती है, तो अत्यधिक मूसलाधार वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। ये कहाँ फटते हैं, तो ये बदलवे के बाद, देखिए यहाँ सारा बादल आ रहा है और यहाँ टकराया धड़ाम से यहाँ पर, तो यहाँ तो नॉर्मल बारिश, जरा सोचिए तो यहाँ जिसका घर होगा धड़ाम से बरसेगा, यहाँ खूब जोर से वर्षा होगी यहाँ पे, तो उत्तराखंड में बादल फटते हैं, पटना में बादल फटेगा, यहाँ कौन पहाड़ है, बिघना पहाड़ी। बादलों में साउंड कैसे होता है, साउंड क्यों नहीं होगा, एक झापड़ मारिए किसी को साउंड होता है कि नहीं होता है, होता है। बादल आपस में टकरा जाते हैं, आपको पता है पानी में भी क्या होता है, भार होता है, वजन होता है, जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो इनके अंदर जब भी कोई चीज गति कीजिएगा तो उसमें करंट उत्पन्न होता है, आप ऐसे हाथ रगड़ के देखिएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होगा उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो जब बादल बहुत जोर से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है, ये कई लाख वोल्ट का होता है, 2 से 2.5 लाख वोल्ट होता है, हम लोग को मारता है 240 वोल्ट या 440 वोल्ट, मार के झनका देता है, और 1 लाख वोल्ट का होता है, मार दिया किसी के ऊपर ना तो कहानी खत्म। तो बारिश जब भी जो बिजली गिरते हैं उस समय कभी इंसान को गति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गति करिएगा आपके शरीर के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं और ऊपर से बिजली जो गिर रहा है वो अपने रिश्तेदार खोजता है और उसका रिश्तेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन, धाए दे आपके ऊपर गिर जाएगा, फिर बचने की कोई संभावना नहीं है, कोई नहीं। इसलिए जब भी बारिश वगैरह हो, बिजली वगैरह, सेफ जगह छुप जाइए, पेड़ के नीचे मत छुपिए, क्योंकि पेड़ अपने गति करते रहता है और उस पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, हर पत्तिये पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए अक्सर बिजली किस पे गिरता है, पेड़ पे गिरते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। छाता पे भी ऊपरा धातु रहता है, छाता पे क्या रहता है, धातु, लकड़ी का कौन छाता है रे तुम्हारा, ओखली लेके घूम रहा है क्या। तो बिजली गिरते समय आपको झुक जाना चाहिए, नीचे की ओर क्या रहा है, झुक जाना, घास ओस के पास नहीं जाना चाहिए, पानी के पास नहीं जाना चाहिए, सूखा जमीन हो वहां चल जाइए, वरना पानी बिजली को खींच लेता है, घास पेड़ पौधा खींच लेते हैं, गाय भैंस पानी ज्यादा पिए रहती है, 1 बाल्टी पानी पिए ले है वो भी खींच सकती है, इसलिए देखिए वो गाय भैंस के ऊपर बिजली गिर जाता है, गाँव में हल्ला किया से गोबर पे गिरता तो सोना बन जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा होता तो आदमी भर गाँव में गोबर बिछेले रहता, इसे गिर बिजली पूरा गाँव में सोना हो जाए तो दूसरा KGF बन जाता, कोलार गोल्ड फील्ड, बिजली उधर नहीं होता। आगे बढ़े, हवाई जहाज पे बिजली गिरती है तो कुछ नहीं होता, हवाई जहाज पे जब बिजली गिर जाती है तो कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता उन लोग को, जिस तरह पानी वाली जहाज को सुनामी कुछ कर सकता है, उसलिए बिजली भी पानी वाली ऊपर वाली जहाज को कुछ नहीं कर सकता। पीपल के पेड़ पर ज्यादा गिर जाता है जिसमें पत्तियां ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, उस पर बिजली का आकर्षण ज्यादा होगा, नहीं जी अभी भी इसको डाउट है, गोबर पे गिरने बिजली सोना कैसे बन जाएगा, क्या कह रहा है तुम्हारे, अरे गलत बात है, गांव में ऐसे ही से हल्ला कर दिया, 108 बार ऐसे करने पे ना दुकान, गांव में हल्ला करते हैं ना, सूतल आदमी को नांग देंगे तो लंबाई नहीं बढ़ेगा, ये कुछ होता है, हल्ला करता है ऐसे ऐसे भवा टूट जाएगा तो मन्नत मांगो तो पूरा हो जाएगा, हम तो अपने से तूर के मांग लेते थे, कुछ नहीं होता है पूरा। ले सर हमारे छत पे टावर लग गया, टावर पे बिजली गिरेगी, टावर को कनेक्शन जमीन से होता है, वो बिजली को लेके जमीन पे भेज देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टावर के ऊपर क्या होता है, होता है हाँ, ट्रांसफार्मर पे तो और आराम से गिरेगा, ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रॉन का घर है, बोला लेगा आओ आओ धाए दे गिर जाएगा किस पे, ट्रांसफार्मर। बिजली एक तरह का करेंट ही है जिसका वोल्टेज लगभग 1 से 2 लाख वोल्ट होता है, बनता कैसे, रगड़ाने से इसे बनता है, हाथ रगड़िए, ऐसे कलम नहीं रगड़ती हो, इलेक्ट्रॉन हो जाता है कि नहीं, तो इतनी चुकी कलम अगर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकता है तो बादल तो 1-2 जिला के बराबर होता है, 2 जिला आपस में रगड़ाएंगे कितना भयानक बिजली पद
उत्पन्न होगा, तो उतना बड़ा बड़ा बादल टकराते हैं, एगो ऊपर एगो नीचे, तो कड़कड़ा के बारिश हो जाता है। आगे बढ़ जाए, बिजली क्यों गिरता है? वही इलेक्ट्रॉन का। बिजली कभी भी किसी चीज के अंदर नहीं जा सकती है, वो बाहर बाहर ही रहती है। बिजली किसी चीज के अंदर नहीं जा सकती, वो जब भी जाएगी कैसे जाएगी? बाहर बाहर, बाहर बाहर जाती है। तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, ऊपर बिजली गिर गया, आप तो अंदर बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप हवाई जहाज में बैठे हैं तो बिजली ऊपर, बिजली कोई हथौड़ा नहीं है, वो करंट है। क्या है? करंट। करंट से कोनो चोट थोड़े लगता है, अंदर घुस गया तो आपके पार्ट पुर्जा को गड़बड़ा देता है। तो एक तरह का करंट है। हवाई जहाज पे आएगा तो हवाई जहाज पे चारों ओर से बिखर जाएगा, और हवाई जहाज आगे चल जाएगा, करंट पीछे चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस खखोरन का क्या कहना है कि सर आप तो पढ़ाए हैं कि हवाई जहाज जो उड़ता है वो उड़ता है समताप मंडल में, और समताप मंडल में कोई बादल उदल नहीं होता है, तो बिजलियां गिरेगा कैसे? रे लोल ऊपरे रहेगा। ऊ किसी भी एयरपोर्ट से उतरने से 200 किलोमीटर पहले, कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर पहले वो अपने नीचे आने लगता है। आप यहां से दिल्ली जाइएगा या मुंबई जाइएगा ना, तो मुंबई से 200 किलोमीटर पहले वो समताप मंडल में रहेगा, समझा गया? उसके बाद वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछेगा मुंबई कि हम तो ऊपर हैं, यहाँ मौसम मौसम कुछ ना हो तो हुआ का हाल चाल है? कहेगा ना है ठीक, ऊपरे रहो, ऊपरे उड़ेगा। और जब पूछ लेगा तो बताएगा वेदर है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, हवाओं की स्पीड 10 नॉट, हवाएं कितने डिग्री से आ रही हैं, विजुअलिटी कितना दूर आप देख सकते हैं। तब पायलट बोलता है कि नाउ वी आर ऑन 37,000 फीट, वेरी सून वी आर गोइंग टू डिसेंड टू मुंबई दिल्ली, जहां पे भी, और वहां पायलट आपको भी बोल देगा द विजुअलिटी ऑफ मुंबई एयरपोर्ट इज 5 किलोमीटर, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, विंड स्पीड बताएगा, विंड डायरेक्शन बता देगा, उसके बाद रख देगा और बोल देगा केबिन क्रू प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। तू सब अपना जितना थरिया गिलास लोटा दे ले रहती है खाने होने के लिए सब ले लेना, दे चाचा कहा बच लो है ना तो रख लेना उस में सब भर और के ले लेंगे आप। जैसे हो जाएगा तो केबिन क्रू बोल देगी सब थरिया लोटा रख लिए हैं, क्योंकि केबिन क्रू को भी तो बचाना जरूरी है ना। वो बेचारी टहल रही है, आप समताप मंडल से लेके चलाएंगे क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में पता चला बारिश है, बादल है, इतना ऐसे घिलने लगा, बेचारी वो उलट गई कहीं, यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे एक जहाज का छतवे उड़ गया था, खुल के छतवे उड़ गया, ऊपरा का छत होता है ना, उधिया गया कैसे आया जैसे ना, छतवे उड़ गया यहाँ पर। उसमें कोई नहीं मरा था, केवल एक एयर होस्टेस जो उस समय खाना दे रही थी, यहाँ उड़ा ना तो बाहर का, बाहर में तो हवाओं का प्रेशर कम रहता है, अंदर ज्यादा प्रेशर रहता है, प्रेशर वहां फेंक दिया इसको बाहर, अब सब लोग को सांस लेने में दिक्कत हुआ। पायलट समझदार था, तुरंत समताप मंडल से कहां लाया, मार देता ऊपर, ठंडा मर जाता आदमी, तो कहां ले गया है समताप। तो ये परेशान, मतलब ये कोई क्वेश्चन है कि सर समताप मंडल में जहाज रहता तो बारिश उतरेगा ना जी? हाँ, बिना छत का उतरा था, बिना छत का उतरा था। पायलट को समझे में नहीं आया हुआ क्या है, पिछवा का छतवा उड़ गया था आधा दूर से, जजिया का इतना दूर का, आधा दूर का छतवा उड़ गया था इतना, अब पायलट के ऊपर पते नहीं चल रहा उसको। हाँ, खुल गया ना छतवा ऊपर से, बैठल था सब, इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट। अरे तुम लोग जहाज में कहा चल जाता है, अभी तुम टेम्पू में घूमो।